मैं भी टास्क खोली, इस वीडियो में आपको बताऊंगा ESS में क्लासेस कैसे यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अब ES6 में एक और बहुत अच्छा फीचर जो लाया गया है, जो सारे जिन्होंने C++ पढ़ी है, जावा पढ़ी हुई है, सबको आदत है, ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या है? क्लास यूज करो, कंस्ट्रक्टर यूज करो, फंक्शन यूज करो, प्राइवेट पब्लिक वेरिएबल, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे कंसेप्ट ES6 के क्लासेस फंक्शन में हमारे आते हैं। ऊप्स होता क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब जैसे हम क्लास उसमें डिक्लेयर कर सकते थे, पहले हमारा कोई नहीं था कि क्लास कैसे डिक्लेयर करनी है, बट अब हम क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं। ये क्लास डिक्लेयर कैसे करते हैं? क्लास, क्लास नेम, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर होता है हमारा। कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन कर दिया, इसमें हमने, इससे 3-4 वेरिएबल हैं, एफ नेम, एल नेम, URL नेम, URL और अदर पैरम्स। अदर पैरम्स में जो वेरिएबल आ रहा है वही पास कर दिया, अगर नहीं आ रहा तो हम इसको बाय डिफॉल्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं और वही पास कर दे रहे हैं। और हम देखो, एक इसके अंदर एक फंक्शन है डेट फुल नेम का, जो हमारा प्रिंट कर रहा है फुल नेम, दिस डॉट एफ नेम, दिस डॉट एल नेम, जो ये हमारा वेरिएबल है, ये टिल्ड ऑपरेटर यूज कर रहा है, तो और डॉलर ऑपरेटर यूज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है ये टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग है, जिसमें हम टेम्पलेट भी यूज कर रहे हैं और वेरिएबल भी यूज कर रहे हैं। उसको कैसे रहते हैं? सबसे पहले वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं और न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं, और जो क्लास का नेम है जैसे हमने सेट में किया था वैसे क्लास का नेम, और उसके बाद ब्रैकेट पैरेंथेसिस। ये क्या हमारा? ये कंस्ट्रक्टर स्टार्ट। जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, तो इसका मतलब क्या है? जब भी ये कॉल हुआ, हमने इसमें क्या किया? एफ नेम में असाइन कर दी, एल नेम में असाइन कर दी, URL में कर दी, अदर पैरेंट्स में कर दी। अगर इसका मतलब क्या है? हमारे डिफॉल्ट जब भी ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट, उसका इंस्टेंस क्रिएट होता है, OBG हमारा जैसे इंस्टेंस क्रिएट हुआ हमारा क्लास नेम से, तो हमने उसमें 3-4 वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन कर दी, और हम उसको गेट कर सकते हैं। कैसे? OBG.get फुल नेम एक फंक्शन बनाया हुआ जो फुल नेम की कंसोल कर रहा है। उसके बाद इसका आउटपुट क्या आएगा? ये तो सिंपल है, फुल नेम विकास कोहली, सेम लाइक C++ जावा के कंसेप्ट है, वैसे यूज हो रहा है, नथिंग एल्स। अब हम मैंने जैसे जावा में क्या होता था, जब हमने क्लास बनाई, अब हमें एक और क्लास चाहिए, बट उसके फीचर फर्स्ट नेम, एल नेम चाहिए, URL चाहिए, उसका फंक्शन भी यूज करना चाहते हैं, क्या यूज करते हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या करता है? वो सारी प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर देता है जो दूसरे क्लास मॉडल में है, और अपने क्लास में अलग से प्रॉपर्टीज नहीं डिफाइन कर सकता है। मुझे क्या हो गया, ये हमारी व्हीकल होगी, व्हीकल में उसके बाद हमारी जो नीचे सब कैटेगरी होगी हमारी स्कूटर होगी, तो स्कूटर में क्या हो गया, हमारा जो प्रॉपर्टीज है वो व्हीकल के असाइन हो गए, कि कौन कौन सी व्हीकल टाइप है, 2-व्हीलर, 4-व्हीलर, कुछ भी रिगार्डिंग। वैसे ही अब हमने एक पर्सन डिक्लेयर किया था, एक सब्जेक्ट क्लास और है जो एक्सटेंड करिए पर्सन को। इसका मतलब है सब्जेक्ट के अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा? एक फंक्शन आ गया, गेट फुल नेम, एफ नेम आ गया, एल नेम आ गया, URL आ गया। अब आप देखो, तो मैंने उसमें, अगर हमें कभी भी सुपर वेरिएबल कब यूज करते हैं? जब हमने इसके बड़े वाले चीज को कॉल करना हो, बड़े वाले चीज का मतलब जो इसके अबव लेवल पे हमारा क्लास है उसको कॉल करना हो। जैसे मैंने पर्सन को कॉल करना है, तो पर्सन के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए क्या करूंगा? सुपर यूज करूंगा। अभी इसमें पास कर दिया मैंने फेवरेट मैथ्स, तो अब फेवरेट मैथ पास किया, तो अदर पैरम्स में क्या साइन हो गया हमारा? फेवरेट मैथ्स। अब हम दिस डॉट URL में मैंने वैल्यू चेंज किया, अगर मैं URL में वैल्यू नहीं चेंज करता तो हमारी क्या होती है URL में बाय डिफॉल्ट abc.com, बट मैंने URL में वैल्यू चेंज कर दिया, तो अब हमारी वैल्यू है subject.com, और इसमें नई वेरिएबल है सब्जेक्ट्स, जिसमें आ रहे हैं इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, और एक फंक्शन अलर्ट से है जो हमें क्या कर रहा है, सब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है और नया URL रिटर्न कर रहा है। इसे भी कैसे यूज करते हैं? वेरिएबल नेम सब्जेक्ट इक्वल टू न्यू सब्जेक्ट। अब देखो, मैंने वेरिएबल लिया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट गेट सब्जेक्ट इन्फो, जो क्लास के अंदर हमारा फंक्शन था, जो भी हमारा क्लास के अंदर फंक्शन था, जब हमने जैसे उसको कॉल किया उसके बाद तो सिंपल ही था, हमारा जो आउटपुट है क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट्स दिस डॉट सब्जेक्ट रिटर्न कर दो। सब्जेक्ट्स में दिस डॉट सब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, क्या आ गया? इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, हमारा इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी आ गया, और न्यू URL में हमने दिस डॉट URL डाल दिया। दिस डॉट URL क्या है? subject.com है, तो subject.com आ गया। अब फुल नेम विकास कोहली आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था। अब देखो, जो भी था इसमें वो सीधे सीधे वैल्यू आ रही, सब्जेक्ट का एरे भी आ रहा, न्यू URL भी आ गया। अगर हम देखें SUBO ऑब्जेक्ट को, अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या आ रही है, देखो डॉट अदर पैरेंट्स भी आ रहे हैं,
एफ नेम की प्रॉपर्टी भी आ रही है। एफ नेम कैसे आई प्रॉपर्टी? क्योंकि एफ नेम हमने उसके मेन उसमें इनिशियलाइज हुई थी, और एल नेम भी आ गई, हमारा गेट फुल नेम फंक्शन भी आ गया। और जो गेट फुल नेम फंक्शन था वो कहाँ था हमारा? वो हमारे पेरेंट पेरेंट क्लास में था, बट हमारा चाइल्ड क्लास में भी मिल गया। तो इसी तरह हम इनहेरिट टेंस का यूज कर सकते हैं, जैसे जावा की जावा में क्लासेस ही सेम इनहेरिट टेंस का यूज किया, और हमने प्रॉपर्टी उसकी एक्सटेंड करनी थी तो एक्सटेंड वेरिएबल यूज किया। उसके बाद हमने क्लास का नाम लिया, जैसे क्लास सब्जेक्ट एक्सटेंड किया पर्सन, तो उसके बाद हमारी जो भी सारी वैल्यूज थी या उसके सारे फंक्शन थे जो जो पब्लिक होते हैं बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, वो सारे फंक्शन उसको सब्जेक्ट के अंदर भी मिल गए। अब हमारे फायदा हो गया कि हमें फिर से डिक्लेयर नहीं करना पड़ी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो प्रोग्रामिंग थी या अननेसेसरी वेरिएबल फिर से डिक्लेयर करो, वो कुछ नहीं करना। तो ये हमारा ES6 क्लासेस का कंसेप्ट था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।